हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है इस टेक्निकल कॉन्वर्सेशन में। चलिए आज आप लोग इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ ऐसे पांच वेबसाइट के बारे में जो कि आपका यूजफुल हो सकता है। तो ये वेबसाइट कैसा है देखते हैं। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे तरफ से रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की ओर। मेरा पहला वेबसाइट है स्क्रीनशॉट क्रू। ये वेबसाइट आपको क्या करता है, जिससे आप कोई भी स्क्रीनशॉट लेते हैं जो कि आपका हाई क्वालिटी का इमेज या तो फिर आपका कोई भी फाइल होता है जो कि नहीं बना पाता है, तो ये ऐसा वेबसाइट है जो कि ये आप स्क्रीनशॉट क्रू में आप अगर यहाँ पे देख सकते हैं। आप अगर उसका यूआरएल यहाँ पे गए उसका वेबसाइट में जैसे आप जाएंगे आप इसका हमने ले लिया कॉपी किया, इसका हमने स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, पेस्ट करेंगे और यहाँ पे आपका कैप्चा को फिल करेंगे। ये उसके बाद स्क्रीन कैप्चर में क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने पर आप देख सकते हैं आवर स्क्रीनशॉट इज रेडी, जस्ट राइट क्लिक द इमेज एंड डाउनलोडेड। जिसे आप राइट क्लिक करके इस इमेज को आप डाउनलोड कर सकते हैं और जो क्वालिटी का आपका जहां से आपने यूआरएल को कॉपी किया था उसी प्रकार के आपका ये बन के आया करके। ये तो आपका अच्छा वेबसाइट है, ये मेरा आपका नंबर वन वेबसाइट में मेरा आता है। सेकंड वेबसाइट है मेरा आप जो कि आपको पता होगा अमेजोन के बारे में। अमेजोन में कोई भी अगर आपका प्रोडक्ट होता है जो कि आपका लो हो जाता है यानी आपका प्राइस आपका अगर कम होता है तो ये मेरा सेकेंड वेबसाइट है जो कि आपका वेबसाइट का नाम है आपका कैमल 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 डॉट कॉम। जो कि कैमल कैमल डॉट कॉम देख सकते हैं जो कि ये कोई भी प्राइस अगर आपका लो होता है तो यहाँ पे आपका देखने को मिलता है और यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। ये वेबसाइट सेकंड पोजीशन में है जो कि आपका बेस्ट है, अगर यूज करना चाहेंगे तो इसको आप यूज कर सकते हैं। फिर थर्ड है, थर्ड वेबसाइट का नाम है टीन आई जो कि आपका ये वेबसाइट क्या करता है, जैसे कोई भी आपका फोटो सबसे पहले किसने शेयर किया था उसके बारे में इसमें आपको देखने को मिलेगा उसका। जैसे आप क्या करें कोई भी आपका फोटो अगर गूगल में आप कहीं पे अगर आपका फोटो आपका है फेसबुक में तो उसका आप यूआरएल को यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो उसके बारे में यहाँ पे जानकारी आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी वेबसाइट आपका काम का है, अगर यूज करना चाहेंगे तब यूज कर सकते हैं। ये थर्ड वेबसाइट था दोस्तों। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, ठीक है। तो मेरा फोर्थ वेबसाइट के बारे में जो कि आपका है ऑनलाइन ओसीआर, ऑनलाइन ओसीआर ये है जो कि आपका कोई भी आपका फाइल को जिसे आपका पीडीएफ में है उसको अगर आपको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट से आप कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सेलेक्ट फाइल कौन सा लैंग्वेज में करना है, आपको कौन सा फाइल में करना है, आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक में ये आपका सारे यहाँ पे दिया है और उसके बाद कन्वर्ट है, कन्वर्ट में क्लिक करेंगे तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा टेक्स्ट में, जिसकी आपका यहाँ पे सबसे पहले आपको सेलेक्ट फाइल आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये चौथा है और ये सबसे लास्ट है जैम जार, जो कि जैम जार एक वेबसाइट है जो कि ये वेबसाइट क्या काम करता है, जिसे कोई भी आपको फाइल को आपको कन्वर्ट करना है यहाँ पे देख सकते हैं तीन ऑप्शन दिया है जो कि एट फाइल जो कि जो भी फाइल को आपको कन्वर्ट करना है। देखिए यहाँ पे कन्वर्ट टू यहाँ पे सारा फाइल का नाम है जेपीजी पीडीएफ ई आर एफ ईपीएस जो आपका फॉर्मेट है वो आपको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे फाइल को ऐड करेंगे, कन्वर्ट टू करेंगे और कन्वर्ट नाउ करेंगे तुरंत आपका ये हो जाएगा। तो ये भी वेबसाइट आपका कमाल का है। तो दोस्तों ये हमने पांच वेबसाइट के बारे में बताया है, अगर आपको इस तरह का वीडियो चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करना ना भूलें और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।